मेरी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है जी। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि हम आपके लिए आर एस कुरमी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं जी। आर एस कुरमी का पहला वीडियो आपके लिए लॉन्च हो रहा है। अगर आपने इसको ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ दिया तो हम आगे कंटिन्यू कर देंगे इस वीडियोज़ को। देखिए आर एस कुरमी का ये जो बुक है इसका हम कम्प्लीट सोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे और इसका सोल्यूशन का दो एक तरीका है उसी तरीके के माध्यम से देंगे। सबसे पहले जो 5 से 7 मिनट जो होगा स्टार्टिंग का उसमें हम इसका जो बेसिक टर्म्स हैं क्या क्या हो सकते हैं उसको हम समझाएंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उसको भी सॉल्व कराएंगे लाइन से, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल फिर ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में आपको करीब 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा सारे मटेरियल। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम काम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। जो सबसे पहला चैप्टर है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो फोर्स का एनालिसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिस इंजीनियरिंग के ब्रांच में जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं ऐसे फोर्सेस को उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक एंड स्टैटिक्स जी हाँ, डायनेमिक एंड स्टैटिक्स दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। डायनेमिक क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर फोर्स की हम अध्ययन करेंगे या अप्लाई करेंगे या फिर उसके रिजल्टेंट या एनालिसिस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक। स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था, रुका हुआ, ठहरा हुआ। अगर कोई स्टैटिक में है या फिर रुका हुआ है, स्टेट्स रेस्ट में है तो उस पर हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं उसका जो एनालिसिस करते हैं तो वो किसमें करते हैं, स्टैटिक्स में। अब बात करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, इसको हिंदी में बल कहते हैं। फोर्स पुश और पुल, ठीक है, ऐसा पुश और पुल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट या मोशन की जो स्टेट्स होता है उसको चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयत्न करता है। जैसे कोई वस्तु मूव कर रहा है तो उसको रोक देगा या रुकी हुई वस्तु को चला देगा या रोकने का प्रयास या प्रयत्न करेगा, उसको हम क्या करेंगे, फोर्स बोलेंगे। फोर्स जो होता है इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए वी होता है, ठीक है, जहाँ पे मास और ये एक्सेलरेशन है। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो मास का क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ऐसा यूनिट में क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, ठीक है। किसी फोर्स के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कंप्लीटली किसी भी प्रकार के फोर्स को अध्ययन करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या होता है, मैग्नीट्यूड, जो कि जैसे कि 40 न्यूटन लिखा हुआ है, 40 न्यूटन का ये फोर्स लिखा हुआ, तो ये जो है 40 ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब लिखा हुआ है कि टेंशन है या कंप्रेसिव, या पुश है या पुल, धक्का है या खिंचाव है, तो वो क्या होगा, दूसरा चीज़ क्या हो गया, उसका जो डायरेक्शन है वो बताना चाहिए, पुश है या पुल है, ठीक है, या नेचर कहें इसको। तीसरा चीज़ है लाइन ऑफ एक्शन, किस लाइन पर कार्य कर रहा है, और पॉइंट ऑफ एक्शन, यहाँ पे एग्जैक्टली कार्य कर रहा है, जैसे कि इस लाइन में एक फोर्स कार्य कर रहा है लेकिन किस पॉइंट पे कार्य कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ एक्शन बोलेंगे। इन चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर फोर्स की बात करें रिजल्टेंट का, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर दो फोर्सेस थीटा डिग्री एंगल पर कार्य करते हैं, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल पर दो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये और ये, ये Q है और ये P है, दो फोर्सेस P और Q थीटा डिग्री एंगल पे कार्य करते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये R होगा, ठीक है। इसको हम पॉलीगन लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो सिंपल जो फार्मूला होता है, अगर दो फोर्सेस है P एंड Q, उनके बीच थीटा डिग्री एंगल पे कार्य करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा। ये जो रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम या मिनिमम इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, कि थीटा का जो एंगल होगा वो कितना होगा। अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम होगा कब, जब ये थीटा की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, थीटा की वैल्यू जो होगी, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 डिग्री एंगल पर होती है, और मिनिमम जो वैल्यू होती है 0 डिग्री एंगल पर प्लस 1 होती है, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 180 डिग्री एंगल पर -1 होती है, ठीक है। तो -1 या +1 और -1, +1 पे मैक्सिमम और -1 पे मिनिमम, और ये 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 180 डिग्री पे मैक्सिमम। अगर बात करें रिजल्टेंट का, इन फोर्सों के साथ जो एंगल होगा, ठीक है, ये अल्फा, तो अल्फा जो होता है टेन अल्फा के लिए जो फार्मूला होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू जो क्यू, देखिए क्यू साइन थीटा,
अपॉन पी, ये पी वाला फोर्स, प्लस क्यू कॉस थीटा, ये इसका जो रिजल्टेंट का एंगल होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर यही चीज कंपोनेंट्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया जाता है इस फोर्स को, किसी भी फोर्स को, तो दो कंपोनेंट बनते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, कई फोर्सों को जोड़कर, अगर कई फोर्सेज हैं उनका रिजोल्यूशन कर दिया जाता है, कंपोनेंट को कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर इधर ऐसे ऐसे चार फोर्स पांच फोर्स कार्य करें, तो इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली में। तो कुछ ऐसा बनता है सिग्मा बी, जो टोटल फोर्स ऊपर आएंगे, और सिग्मा एच, जो टोटल फोर्स क्षैतिज अवस्था में आएंगे। तो ऐसे में जो फोर्स आते हैं उनके लिए जो रिजल्टेंट होता है आर इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा बी स्क्वायर प्लस सिग्मा एच स्क्वायर, ठीक है, इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसमें एंगल की बात करेंगे तो टेन अल्फा जो होगा, टेन अल्फा जो हो जाएगा वो सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच, ठीक है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार ये कुछ पॉइंट्स रहा, ठीक है। अब आते हैं 24-25 क्वेश्चन, जो अपना टारगेट है पर डे का उसको कंप्लीट कर। आइए तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। आर एस कुर्मी का ऑब्जेक्टिव है, लाइंस ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखा है, द टर्म फोर्स मे बी डिफाइंड एज द एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय और मोशन और टेंस टू डिस्ट्रॉय मोशन। तो एग्री जी हाँ, जो फोर्स होता है वो एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा एजेंट होता है जो डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस कर सकता है मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स विल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब कोई फोर्स बॉडी पे कार्य करता है तो उसके मोशन को चेंज कर सकता है या बैलेंस कर सकता है फोर्स जो पहले से एक्टिंग है, या फिर इंटरनल स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, या ये सबको भी जनरेट कर सकता है एक साथ, यानी मतलब ऑल ऑफ दिस सही है, आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट और ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो, किसी फोर्स को हम डिफाइन करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का वो पता होना चाहिए, और नेचर यानी कंप्रेशन है या फिर टेंशन है, या टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है, या पुश है या पुल है, ठीक है। तो चौथा जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बताता है कि एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, एसआई यूनिट में तो न्यूटन, ठीक है, जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाई ऑल गिवन फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट ऑन ए बॉडी। जब बॉडी पे कई फोर्स कार्य कर रहे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो सेम इफेक्ट देता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, सही है। तो ऑप्शन ए सही या ट्रू, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड। रिजल्टेंट फोर्स निकालना किसी भी कई फोर्सों का वो कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है, और रिजोल्यूशन होता है कई फोर्सों को कंपोनेंट में डिवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 8वां क्वेश्चन है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पार्ट रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। द वेक्टर मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। यस करेक्ट, जो रिजल्टेंट निकालने का जो पॉलीगन वो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो वेक्टर मेथड पॉलीगन लॉ होता है, ठीक है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि दो फोर्सेस पी एंड क्यू अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, ये 10 नंबर का तो हो गया। 11 नंबर में हम आपको एंगल बता चुके हैं कि दो फोर्स अगर पी एंड क्यू एक्ट कर रहे हैं थीटा डिग्री एंगल पर, तो और तो उसके बीच में अल्फा जो रिजल्टेंट का एंगल है वो अल्फा है, तो जो कोण होगा फोर्सों के बीच में, तो 10 अल्फा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर दो फोर्सेस कार्य कर रहे हैं पी और क्यू अपोजिट डायरेक्शन और सेम एक लाइन ऑफ एक्शन में, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाता है, यानी पी माइनस क्यू, ऑप्शन बी सही है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में होते यही फोर्सेज दोनों, तो इसको हम क्या करते ऐड कर देते जो रिजल्टेंट निकलता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज
पी मेकिंग एन एंगल थीटा। देखिए ये 13 से लेकर 16 तक के जितने क्वेश्चन हैं ये क्या है कि न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 13 से 16 तक, ठीक है। इन सबको हम अभी सॉल्व करते हैं, आइए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी मैग्नीट्यूड का टू फोर्स कार्य कर रहे हैं, दो फोर्स कार्य कर रहे हैं जिनके बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ही निकालना है, ठीक है। बेसिकली उसमें तो रिजल्टेंट पूछा गया, तो इसमें देखिए पी फोर्स है दोनों में, यहाँ पे पी पी रख दीजिए, तो पी अगर रखते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये क्या आ जाएगा 2p² तो अंडर रूट यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे 2p² प्लस 2p². अब ये पूछेंगे ये कैसे, तो पी और क्यू, पी क्यू अगर पी पी हो जाएगा तो p² इंटू 2 cos θ, ठीक है cos थीटा, ठीक। अब ये जो cos थीटा है, अब इसको हम p को कॉमन ले ले रहे हैं बाहर, p को इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया, अंडर रूट से बाहर ले लिया, ठीक है, और अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पे क्या बचा 2 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये cos थीटा का फॉर्मूला ऐसा लगाए कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो p अंडर रूट में 2 और इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 cos² थीटा बाय 2 माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 को अगर अंडर रूट से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 निकालने के साथ में, और cos² थीटा बाय 2 है तो ये cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन आ रहा है अपना बी सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी जो 2p cos थीटा बाय 2 था वो सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं जो इक्वल है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा जो 90 डिग्री एंगल पे कार्य कर रहा है, राइट एंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री ऐसे एक फोर्स इधर लग रहा है दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये p² + p², ठीक है, p² + p² 2p² हो जाएगा, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा अंडर रूट 2p, ठीक है, अंडर रूट 2p आंसर, ठीक है, अंडर रूट 2p कौन सा आंसर है, ये है फोर्थ नंबर यानी डी ऑप्शन है, 14 का जो है डी ऑप्शन। अब 15 नंबर क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली, और एंगल दिया हुआ है 0 to 0 and 180, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, हमने आपको बताया कि अगर किसी फोर्स का जो भी फोर्स कार्य कर रहे होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब इस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, cos थीटा की वैल्यू कब 0 डिग्री एंगल पे क्या होती है मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कब होगी 180 पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 होगा और यहाँ पर माइनस 1, तो जो पहला ऑप्शन है 0 and 180 वो सही है, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन बात, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, If the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the force, then the angle between the two forces is, और उसके बाद एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री 60 19 और 120, इसमें से क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट है R, वो क्या है P है, लेकिन जो फोर्स है वो भी P है, ठीक है, रिजल्टेंट और फोर्स दोनों ही P है, तो अगर इस फॉर्मूले में हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो R is equal to under root 2p² plus 2p² cos θ होगा, ठीक है, चूंकि r जो है ये p के बराबर है तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं p लिख देते हैं p, ठीक है, अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दें या फिर इधर से रूट ले लें, तो p² = 2p² + 2p² cos θ, ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या r भी सेम है और p दोनों बल भी सेम है, दोनों फोर्स सेम है और जो उनका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी सेम आ रहा है यानी पी आ रहा है, ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इसको इधर भेजा माइनस किया, तो -p² = 2p² cos θ, अब देखिए इसको ये पी से पी कैंसिल, ठीक है, तो -1/2 = cos θ, अब 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है, तो cos थीटा में जो 1/2 माइनस की वैल्यू होती है तो वो होती है θ = 120, ठीक है, 120 डिग्री का मान जो होता है 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो माइनस वन होता है cos में, ठीक है, तो आंसर डी जो है आपका सही है 120। न्यूमेरिकल 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R इफ Q इज डबल, यानी Q को जो है Q फोर्स है P एंड Q दो फोर्स है, Q को डबल कर दिया जाता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो P क्या होगा,
तो सबसे पहले ये फॉर्मूला पता है आपको, इस फॉर्मूले में हम 90 डिग्री, अगर ये जो रिजल्टेंट है, ये जो अल्फा है, सॉरी ये थीटा लिख दिया है, इसको अल्फा जो है, ये अल्फा कितना है 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री कर दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टेन अल्फा की जगह पे अल्फा है, अल्फा को हम 90 डिग्री कर देते हैं, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू जो क्यू है, क्यू को डबल करना है तो 2q हो जाएगा, 2q sin थीटा, ठीक है, अपॉन पीपी ही रहेगा प्लस 2q cos थीटा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, या 1/0 इसको इनफाइनाइट को समझ सकते हैं। तो अगर हम इसके बराबर यहाँ पे 90 डिग्री की जगह पर, इस 90 डिग्री की जगह पर हम इनफाइनाइट कर दें या फिर 1/0 कर दें, तो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, इसका इधर और इसका इधर, तो ये जो आएगा इधर हो जाएगा पी प्लस 2q cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं p इक्वल टू माइनस 2q cos थीटा, इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपकी जो वैल्यू आई, ये p इक्वल टू माइनस 2q cos थीटा इक्वल टू माइनस 2q cos थीटा जो आया, इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो r इक्वल टू जो होगा अंडर रूट, ठीक है, पी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा, तो ये 4, इसको स्क्वायर भी करते जाए, 4q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे 2 की जगह पे 2 आएगा, और पी की जगह पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, पी की जगह पे ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू 2q कॉस थीटा, और ये पहले से जो क्यू था वो क्यू भी रहेगा, ठीक है, क्यू इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 4q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 × 4 यानी 4, और q का क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देखते हैं कि ये से ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो क्या आ जाता है क्यू, यहाँ क्यू आ जाता है सीधे सीधे, जब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ पर देखिए पी क्यू होता है, सॉरी ये फार्मूला आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से लिख देते हैं पी क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे पी क्यू, जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे ये माइनस 2 क्यू कॉस थीटा रखेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा क्यू आएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्यू होगा। क्वेश्चन जो 18 नंबर है आरएस कुर्मी का मैकेनिक्स का, उसको भी देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, दो फोर्सेस 120 डिग्री एंगल पे कार्य करते हैं, द बिगर फोर्स इज 40 डिग्री 40 न्यूटन जो बिगर फोर्स है, ठीक है, एंड 40 न्यूटन, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, द स्मॉलेस्ट फोर्स इज, मतलब स्मॉलर फोर्स जो है उसको निकालना है, जो बिगर फोर्स है वो 40 डिग्री है, जो रिजल्टेंट का एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उन फोर्सों के जो बीच का एंगल है वो क्या है 120 डिग्री है, एंगल था वो 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है, 90 डिग्री यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो इसमें सबसे पहले हम 90 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, 90 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, जब अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा तो केवल ये जो है वो पॉसिबल होगा, अर्थात जब यहाँ पे इनफाइनाइट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं 1/0, ठीक है, इसको भी इनफाइनाइट कहते हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 1, यही पॉसिबल होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो जब इधर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ये कब होगा जब ये 90 डिग्री होगा, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, जब अल्फा 90 होगा तब ये पॉसिबल है, तो p इक्वल टू क्या होगा माइनस का क्यू कॉस थीटा, ये पहले भी हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही, ठीक है, सेम तरीके से। अब ये जो p इक्वल टू माइनस क्यू कॉस थीटा जो आया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे q की जगह पे हमें क्या पता है कि जो बिगर फोर्स है ये 40 डिग्री है, तो जो बिगर फोर्स है इसको, सॉरी 40 न्यूटन है, ठीक है, और कॉस थीटा जो कॉस है थीटा जो है 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री जो बलों के बीच का एंगल था या फोर्सेस के बीच का जो एंगल था वो 120 दिया हुआ था, और जो फोर्स दिया हुआ था ये दिया हुआ था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 40 इंटू माइनस का 1/2, 120 की जो वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो इसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा, जो पी होगा
जो स्मॉलर फोर्स होगा वो 20 न्यूटन का होगा। 18 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया, अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, द टर्म लीवरेज एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए कंपाउंड लीवर हैव गॉट द सेम मीनिंग। तो जी हाँ, ये जो लीवरेज होता है और मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ये दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, द नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट विल इन इक्विलिब्रियम। ये हम आपको नहीं बताए, लेकिन जो इक्विलिब्रियम होता है उसके लिए ए दो कंडीशन होती है, जो वर्टिकल फोर्स है और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। जो वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होने चाहिए, वो अगर जीरो आ रहे हैं दोनों का, जो वर्टिकल फोर्स यानी सिग्मा जो वी आ रहा है इक्वल टू जीरो आ रहा है, और सिग्मा जो एच आ रहा है वो भी अगर जीरो आ रहा है, तो क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो सी और डी जो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, सी और डी दोनों होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं आरएस कुर्मी में जिनके ऑप्शन दो दो सही हैं, ठीक है, तो इससे परेशान ना होइएगा। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्या कहता है, इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट देयर रिजल्टेंट इज गिवेन। देखिए जो ये है, हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना, वो ये आएगा, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर प्लस सिग्मा एच स्क्वायर, वर्टिकल फोर्सेज का इक्वल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का इक्वल का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट में। ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ कि इस फिगर को देखिए, ठीक है, सो इन द इक्वल फोर्सेज एट राइट एंगल एक्टिंग एट अ पॉइंट द वैल्यू ऑफ आर एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर एट द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप हमने पहले सॉल्व किया है, जिसका आंसर आ रहा था अंडर रूट 2q आ रहा था, उसको आप क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या, सी अंडर रूट 2p, ठीक है। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट, अगर हॉरिजॉन्टल से कोई इंक्लाइंड होता है तो जो उसका अल्फा हमने लिखा था जो एंगल, तो वो अल्फा हो या थीटा हो, ठीक है, जो एंगल होगा इंक्लाइंड वो क्या होगा, सिग्मा वी बाई सिग्मा एच। वैसे जनरली तो अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर ये थीटा दिया हुआ है तो आपको थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है द राइट एंगल लॉ ऑफ ए फोर्स स्टेट दैट इफ टू फोर्सेज एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकुलर पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मे बी टू साइड ऑफ ट्रेंगल टेकन एन ऑर्डर टू देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई देयर साइड्स ऑफ ट्रेंगल इज द अपोजिट ऑर्डर। जी हाँ सही है, जो ये 24 नंबर क्वेश्चन है ये सही है। समझ लीजिए कि जैसे कि टू फोर्सेज हैं, कई फोर्सेज होते हैं, तो ऐसे अगर एक फोर्स कार्य कर रहा होता है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, और इनको पॉलीगन लॉ से बनाते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है ना अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त होता है, ठीक है, अपोजिट। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, द पॉलीगन लॉ ऑफ ए फोर्सेज स्टेट दैट इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन टेक इन ऑर्डर देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट। देखिए ये जो 24 नंबर और 25 नंबर दोनों क्वेश्चन क्या है, पॉलीगन से रिलेटेड, इसमें ट्रेंगल था, इसमें क्या था, पॉलीगन। तो ट्रेंगल हो या पॉलीगन हो, जब भी अगर दो या दो से अधिक फोर्सेज हैं, अगर ट्रेंगल होता है तो दो फोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो दो फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट प्राप्त होता है, ऐसे सेम डायरेक्शन में नहीं प्राप्त होता। जैसे ऐसे समझ लीजिए, ट्रेंगल होगा तो कैसे प्राप्त होगा, ऐसे अगर दो फोर्सेज पी एंड क्यू कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये पी अगर इसको मान ले, इसको क्यू मान ले, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन ऐसे रिजल्टेंट ये आर प्राप्त होगा। लेकिन अगर पॉलीगन होगा तो पॉलीगन में कई साइडें हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे ये कई सारे फोर्सेज हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ये आर रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त होगा, जो एरो बनाएंगे वो अपोजिट में। तो इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा तो ही मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा।